नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बात करते हैं आज जो है राजस्थान में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र नंबर टू में बहुत सारी अहम बातें कहीं कि हम सत्ता में आते हैं हम सरकार में आते हैं तो ये करेंगे उसमें से बात करें उद्योग एवं व्यापार को लेकर क्या है कांग्रेस के वादे या फिर सोच कि सरकार में आने पर ये करेंगे रिको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए मौजूदा क्षमताओं और भविष्य की संभावना वाले विशेष क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें नामित करेंगे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको को सशक्त बनाएंगे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले व्यवसायों के लिए विशेष छूट और लचीली भुगतान शर्तें उपलब्ध कराएंगे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा सहभाग्य राजस्थान में स्थानीय मूल्य निर्माण को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने हैं तो इस ढांचे का लाभ उठाने के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर डीएमआईसी की पहल के साथ सहयोग करेंगे व्यापार कॉरिडोर विकास योजना में क्षेत्रीय शक्तियों और संसाधनों को एकीकृत करने के लिए डीएमआईसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक और निवेश क्षेत्र औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों के निर्माण के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर के साथ प्रमुख स्थानों की पहचान करेंगे कॉरिडोर के लॉजिस्टिक लाभों का लाभ उठाते हुए इन क्षेत्रों में व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक रणनीति का जो है रणनीति विकसित करेंगे खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र को ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा आर्थिक विकास नवाचार सतत विकास पर जोर देते हुए इस क्षेत्र को एक मॉडल के शेयर के, के रूप में डिज़ाइन करेंगे इस निवेश क्षेत्र की योजना और विकास में स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करेंगे सेक्टर विशेष विसीस, विशिष्ट औद्योगिक पार्कों क्षेत्र बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन आर पी जे जेड जोधपुर में फर्नीचर पार्क मेडिकल डिवाइसेस पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक पार्क तैयार करेंगे अपने संबंधी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए इन पार्कों में बुनियादी ढांचे और नियामक ढांचे को तैयार करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन वैली एस ई -E जेड राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में को संयंत्रों रिफाइनरियों से हरित हाइड्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली विशेष आर्थिक क्षेत्र एस की स्थापना करेंगे एस के भीतर हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकों को प्रौद्योगिकियों के में, में जो है अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करेंगे जयपुर में फिनटेक पार्क उभरते फिनटेक क्षेत्र के लिए समर्पित केंद्र के रूप में जयपुर में फिनटेक पार्क विकसित करेंगे फिनटेक कंपनियों में निवेश आकर्षित करने नवाचार को बढ़ावा देने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करेंगे लॉजिस्टिक आधारित उद्योग स्मार्ट औद्योगिक पार्कों का विकास स्व औद्योगिक पार्क स्थापित करेंगे और उन्हें उन्नत स्मार्ट पार्क में बदलेंगे संचालन के तीव्र और कुशल सेटअप के लिए इन पार्कों को दस सेक्टर विशिष्ट प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लेस करेंगे एकीकृत उद्योग लॉजिस्टिक कार्य योजना उद्योगों और राज्यों के लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के बीच निर्बाध संबंध स्थापित करने के लिए एकीकृत उद्योग और लॉजिस्टिक कार्य योजना विकसित करेंगी परिवहन और वितरण नेटवर्क को अनुकूलित करने के लिए उद्योगों और लॉजिस्टिक हित के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे लिवरेज लॉजिस्टिक हब स्टेटस निवेश को आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स से संबंधित उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राजस्थान की लॉजिस्टिक्स हब दर्जे का उपयोग करेंगे इसकी संदर्भ बात करें पेट्रोलियम के संदर्भ में देखें पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में नवीन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र की स्थापना करेंगे निवेशकों के लिए क्षेत्र का आकर्षण बढ़ाने के लिए पचपदरा में नई संयुक्त उद्यम रिफाइनरी स्थापित करेंगे जो दो तक शुरू हो जाएगी हरित हाइड्रोजन के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा में राजस्थान की क्षमता का उपयोग करेंगे हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहल करेंगे अगली पीढ़ी के उद्योग की बात करें नवोदित क्षेत्रों में निवेश हरित हाइड्रोजन नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण वैकल्पिक ऊर्जा चिकित्सा उपकरण इलेक्ट्रिकल वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएगा चार्जिंग बुनियादी ढांचे उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न नवोदित क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधन के आवंटित करेंगे शिक्षा जगत के साथ साझेदारी बीट्स पिलानी एम्स आईआईटी जोधपुर एमएनआईटी जयपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों और नए घोषित उत्कृष्टता संस्थानों के साथ रणनीतिक जो है साझेदारी से काम करेंगे अगली पीढ़ी के उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल कार्य बल बनाने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान नवाचार और कौशल को बढ़ावा देंगे वैश्विक अनुसंधान और साझेदारी विकास साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ वैश्विक अनुसंधान और विकास साझेदारी स्थापित करेंगे राजस्थान में अगली पीढ़ी के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए ज्ञान के आदान प्रदान तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेंगे नियमों को तर्क संगत बनाना इसमें बात करें और क्या है अधिकतम पंजीकरण न्यूनतम विनियमन आर्थिक जीवनता की ही हम जीवनता की हमारी खोज में हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने की प्रतिज्ञा करते हैं हम अनुपालन सुविधा केंद्रों और साझा सुविधाएं स्थापित करेंगे मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे जिससे हमारे छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन लागत कम हो सकेगी वन स्टॉप वन स्टॉप शॉप सिस्टम नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना सर्वोपरि लक्ष्य है हम वन स्टॉप शॉप सिस्टम लागू करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशकों के लिए संपर्क का एक एकल बिंदु प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़े नवीन प्रौद्योगिकी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना उद्योग विकास में तेजी लाना हम अपने राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं अपने उद्योगों की विकास दर को महत्वाकांक्षी लक्ष्य से आठ प्रतिशत तक बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहन और अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन हम इलेक्ट्रिकल वाहनों में निवेश आकर्षित करेंगे संबंधित अनुसंधान और विकास सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करेंगे अपने राज्य को टिकाऊ हुई गतिशीलता के भविष्य के साथ जोड़ेंगे उद्योग 4.0 और आई ए आई उन्नति उद्योग 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस के युग को अपनाते हुए हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग थ्री प्रिंटिंग ऑटोनोमस रोबोट एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसी पहलों के माध्यम से ऑटो विनिर्माण क्षेत्र को विकास के एक नए चरण में आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और ई एस डी एम पार्क स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विश्व स्तर पर परस्पर जुड़े हुए अभिनव और प्रतिस्पर्धी व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान को अग्रणी बनाना या और बात करें पसंदीदा निवेश गंतव्य हम राजस्थान को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य और व्यापार करने में सुगमता के मामले में नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प लेते हैं शीघ्र विवाद समाधान त्वरित विवाद समाधान तंत्र को लागू करते हुए हमारी एकमुश्त निपटान ओ नीति पहल विवाद समाधान पर तेजी और निष्पक्षता लाएगी औद्योगिक भूखंडों की संभावना को अनलॉक करना पारदर्शी नीतियाँ खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों की संभावनाओं का अनलोक करेगी जिससे संभावित खरीदारों को उनके पुनः आवंटन की सुविधा मिलेगी औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो एक समर्पित औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेगा श्रमिकों की भलाई और औद्योगिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन फंड हम मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक समर्पित फंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जैसे व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित हो सकेगा रक्षा उत्पादन सत्र रक्षा उत्पादन के लिए एक विशेष सत्र बनाया जाएगा जो निवेश को आकर्षित करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा भूमि उपयोग के परिवर्तन में आसानी सी एल यू हम व्यवसाय के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सरल और तेजी से करेंगे तो ये बात थी ठीक है इसकी हरित पहल को बढ़ावा देने इसमें भी देख लेते हैं साथ में हरित पहल हरित पहल इस ये अगले वीडियो में देखेंगे